कंगना रनौत का सुशांत मामले और ड्रग्स को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीतिक रंग पकड़ने लगा है। हिमाचल प्रदेश महिला मोर्चा पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। शिमला में हिमाचल भाजपा महिला मोर्चा ने प्रियंका के मकान को तोड़ने तक की धमकी दे डाली, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बयान को गलत करार देते हुए कहा कि ये बयान भावावेश में दिया गया है। शिमला में बने प्रियंका गांधी के मकान को तोड़ने की धमकी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का शिमला में मकान है और प्रियंका की सुरक्षा सरकार का दायित्व है, लेकिन कंगना के साथ जो महाराष्ट्र सरकार ने किया उसकी निंदा पूरा देश और प्रदेश कर रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो भी किया वो गलत है, जिसके खिलाफ देश भर में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी इस घटना का विरोध किया जा रहा है। जिस प्रकार से पिछले कल जो घटना हुई है, कंगना रनौत जो हिमाचल की बेटी है और उनके मुंबई स्थित कार्यालय को तोड़ा गया है बीएमसी के द्वारा, वहां पर शिवसेना की सरकार, कांग्रेस की सरकार, तो स्वाभाविक रूप से इस सारी चीज का रिएक्शन हिमाचल में तो होना ही था, लेकिन स्वाभाविक रूप से इसका रिएक्शन पूरे देश भर में आप देख रहे हैं। अगर कहीं इस प्रकार की अभिव्यक्ति की है तो मैं उससे तो सहमत नहीं हूं कि हमको प्रियंका गांधी का मकान तोड़ना चाहिए। ये तो बात उचित नहीं लगती है, क्योंकि वो हिमाचल में यहाँ घर बना करके रहें, ये हमारी जिम्मेवारी है उनकी सुरक्षा की। लेकिन उसके साथ साथ में उन्हें मुझे लगता है कि भावावेश में अपनी बात रिएक्शन के रूप में बात कही है। इस प्रकार की बात उन्हें व्यक्तिगत रूप से कही होगी, ये ना तो सरकार के स्तर पर ना ही संगठन के स्तर पर ये की जा सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों में उस तरह से जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी चीज़ों को इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे उसका कोई लाभ नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि फिलहाल कंगना रनौत जी के साथ जिस तरह का सलूक, जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र सरकार ने किया है वो निंदनीय है। उसकी हम निंदा करते हैं, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और उनको बहुत सारे मामलों में उलझाने की साजिश के तहत फंसाने की जो सरकार की उस सरकार की योजना है, मुझे लगता है कि वो। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कंगना रनौत की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने सदन में बात उठाई थी और सरकार ने सदन को आश्वस्त किया था कि कंगना रनौत को मुंबई में भी पूरी सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी कंगना रनौत की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। भाजपा की तरफ से आ रहे बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा ने जिस तरह से प्रियंका गांधी के मकान को तोड़ने की बात कही वो बिना सोचे समझे कही है, इसीलिए बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए कि वे क्या बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है और हिमाचल प्रदेश के गठन में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का योगदान रहा है, जिसके लिए सभी हिमाचलवासी उनके आभारी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से आया ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अग्निहोत्री ने कहा कि पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमने पहले भी स्पष्ट किया, अब भी स्पष्ट है, कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश से है और उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। हाउस के अंदर मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि उनको हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा दी जा रही है, प्रॉपर सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने सारे हाउस को आश्वस्त किया है। उसके बाद उन्होंने ये भी सूचना दी है कि महाराष्ट्र में भी उनको वाइप प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है। तो जो हाउस में मसला उठा उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि उनकी सुरक्षा जो है उनको मुहैया करवाई जाएगी। तो हमने अपना कंसर्न जो है हाउस में बता दिया। अब जो बात जहाँ पे रखी जानी है वहाँ पे रखी गई है। ऐसा है, बीजेपी महिला मोर्चा क्या कहता है, हमें इस पे कोई सरोकार नहीं है। ये मालूम होना चाहिए उनको,
हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी की वजह से हिमाचल अस्तित्व में आया, और 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो यहाँ पे बर्फ पड़ रही थी, उसमें आके उन्होंने हिमाचल प्रदेश का निर्माण का ऐलान किया, गठन का ऐलान किया। तो हिमाचल के लोग हमेशा से गांधी परिवार के आभारी हैं। और जहाँ तक प्रियंका जी का सवाल है, वो राजीव जी की बेटी हैं जो देश के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने अपना जीवन जो है इस देश के लिए निछावर किया है। तो इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हाँ, हिमाचल का हर व्यक्ति जो है गांधी परिवार का आभारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।